स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एस2टी में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे आप अपने कैमरे को कैसे एक वेबकैम की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है, जबकि कैमरे टेक्नोलॉजी में इतनी उन्नति आ गई है, इतना एडवांस हो गया है, सब चीज़ अच्छे होने लगे हैं, तो वेबकैम चिपका क्यों रह गया? तो इसका ये समझिए, वेबकैम बहुत पुराना चीज़ है, बहुत पहले आ गया था। 2000 से ही लगभग सब लैपटॉप में वेबकैम आ रहे हैं। 2003-05 में तो आप बिना वेबकैम के लैपटॉप खरीद भी नहीं सकते थे, लेकिन वेबकैम आ गया, सॉफ्टवेयर्स आ गए, स्काइप आ गया, सब आ गया, लेकिन इंटरनेट नहीं था, अभी भी नहीं है बहुत जगह जहां पे आप आंख मूंद करके एक अच्छे से वीडियो कॉल कर सकें। तो वेबकैम ये हो गया कि भाई अरे है लेकिन कोई यूज़ नहीं है उसका। अब अभी भी जियो का अगर आप फेस कॉलिंग करते हो तो कितना बार चिपकता है, कितना बार, मतलब फीलिंग नहीं आती है कि भाई आप प्रॉपर वीडियो कॉल कर। पिक्चर समय तो दिखा देता कि हाँ एकदम बात कर रहे हैं, एकदम 30 फ्रेम पर सेकंड उधर भी जा रहा है, 30 फ्रेम पर सेकंड इधर आ रहा है, वही सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ करता है। मतलब आपका इमेज साइज उतना छोटा नहीं होता है, लेकिन मतलब जो फ्रेम है, जो फ्रेम भेजी जा रही है वो उधर जा पा रहा है कि नहीं वो देखना पड़ता है, और फ्रेम कितना स्पीड से अपडेट होगा वो पिंग पे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए आपका पिंग बहुत ख़राब है, मतलब 50 MS से ऊपर है, तो हेलो ऐसा करके आएगा। तो इंटरनेट नहीं है होने के चलते से वेबकैम से सबका ध्यान हट गया कि अच्छे वेबकैम्स बनाने पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। दूसरा, विंडोज़ तो सीधा वेबकैम को छोड़ ही डाला। मतलब एप्पल ने ये अच्छा था, क्योंकि एप्पल के लैपटॉप बहुत महंगे होते हैं और उन्होंने बहुत मेहनत किया अपने वेबकैम्स में, और उसके वेबकैम जनरली आँख मूंद करके आपको सबसे बेस्ट मिलेंगे इंडस्ट्री में। और आप बोलोगे नहीं मैं विंडोज़ का महंगा लैपटॉप ले लेता हूँ, उसमें भी ठीक ही ठाक वेबकैम मिलेगा, बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। विंडोज़ मतलब सीधे हाथ धो दिया है इससे, तो आधा मार्केट क्या 90% मार्केट वहीं ख़त्म हो गया। दूसरा, जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ गई है कि आप अच्छा खासा स्मार्टफोन ले सकते हैं 8-9 हज़ार में, तो यार एक 8-9 हज़ार का जो लॉजिटेक का वेबकैम है उसका और आपका मोबाइल का क्वालिटी मैच क्यों नहीं करता? वो है मास प्रोडक्शन नहीं है। आप ही समझिए, जैसे एक अच्छा वेबकैम बेयरली 4-5 मिलियन पीस बनाया जा रहा है बेयरली, और एक पिटा हुआ मोबाइल जो मार्केट में बहुत नहीं बिका वो भी 60-70 मिलियन पीस बनाया जाएगा, नंबर का अंतर अब ये समझिए। तो आप जितना ज़्यादा पीस बनाएंगे उतना पर पीस दाम कम हो जाता है, ये मोबाइल के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसी के चलते मोबाइल इतने सस्ते हो गए। वेबकैम के साथ ऐसा नहीं हुआ, तो वेबकैम महंगा ही रह गया, क्वालिटी भी नहीं डेवलप हुई, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी तक नहीं आया है कि ढंग से मतलब आँख बंद करके अच्छे क्वालिटी का वीडियो कॉल कर सके। तो इसलिए अगर आप मान लीजिए स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, आप यूट्यूब करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा करना चाहते हैं जहाँ आपको अच्छा क्वालिटी का वेबकैम चाहिए, आप बोलोगे मैं मोबाइल से यूज़ कर लीजिए मोबाइल, लेकिन प्रॉब्लम है मोबाइल को कंप्यूटर के साथ नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि USB के थ्रू जो डेटा आएगा वो कंप्रेस्ड आएगा, तो क्वालिटी काफ़ी घट जाती है। तो ठीक है, आप करना चाहते हैं तो आपको अपने कैमरे में क्या चेक करना होगा? कैमरे में आपको दो चीज़ खास करके चेक करना। पहला, क्या उसमें HDMI आउटपुट है, वो जो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है, बड़ा साइज से लिखा रहेगा, वो है कि नहीं? ठीक है, पहला वो चेक। दूसरा, वो आउटपुट रिकॉर्डिंग के टाइम देता है कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे सस्ते कैमरे में HDMI आउटपुट है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए है कि मान लीजिए आप फोटो खींच लिए, आप होटल में आए, आप TV में लगा के आराम से आप इमेजेस को देखिए, वो इसलिए नहीं है कि रिकॉर्डिंग का डेटा वो बाहर भेजे। तो क्या आपका कैमरा पहले लाइव रिकॉर्डिंग के दरमियान इससे आउटपुट देता है, हाँ या ना, पहले वो चेक कीजिए। दूसरा, क्या वो क्लीन है कि नहीं? क्लीन का मतलब ये होता है कि जो भी नंबर्स आप अपने स्क्रीन में देखें, जैसे अभी मैं DSLR में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें कोने में यहाँ पे घड़ी चल रहा है, यहाँ एक लाल बत्ती जल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, एक फ्रेम है कि इस फ्रेम के अंदर ऑटो फोकस है, मेरे चेहरे पे एक बॉक्स बना हुआ है, नीचे ISO है, शटर स्पीड है, ये सब नहीं जाना चाहिए HDMI, नहीं तो वो सब आपके व्यूअर को पहुँच जाएगा, तो वो अच्छा नहीं है। इसलिए आप क्लीन है चेक कीजिए, सबसे पहला ये चीज़। दूसरा, आपके पास क्या तरीका है उसको चलाने का? मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास, आपने एक DSLR था पुराना, आपने नया ले लिया, आप आगे बढ़ गए, लेकिन आप सोच रहे हो यार उसको वेबकैम की तरह यूज़ करें, लेकिन उसकी बैटरी नहीं चलती है ज़्यादा देर, और वेबकैम DSLR सब बनाए नहीं गए हैं कि आप बहुत लंबे टाइम तक यूज़ कर सकें, बना ही नहीं है वैसा। तो मतलब वीडियो में तो खास करके, मतलब फोटो 600-700 फोटो खींच लेगा, वीडियो बेयरली 1-2 घंटा रिकॉर्ड करेगा। तो आपको कोई तरीका चाहिए इस तरह का, जिसको डमी बैटरी कहते हैं, इसको लगाने से आपको एक तार आउटपुट मिलेगा, उसमें आप DC अडाप्टर लगा के आराम से आप चला सकते हो। और कुछ कुछ अडाप्टर मिलते हैं जो USB से वोल्टेज बढ़ा देते हैं, और ताकि आप इसमें डायरेक्ट कनेक्ट कर सको, जैसे ये एक डिवाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह का चीज़ का इस्तेमाल करके आप अपने DSLR को लगा के भूल सकते हैं कि हाँ मैंने DSLR है, जब भी मैं कंप्यूटर चालू करूँगा मेरा DSLR चलने लगेगा कैमरा की तरह। तो वो करना ज़रूरी है, क्योंकि आप मान लीजिए स्ट्रीमिंग कर रहे हो, बीच दरमियान आपका स्वाहा हो गया, आपका कंप्यूटर का ये मतलब बैटरी ख़त्म हो गया, तो ऐसे तो नहीं चलेगा, इसलिए आपको ये दो चीज़ देखना है। तो ठीक है, आपने कैमरा चेक कर लिया, सब चीज़ चेक कर लिया, आगे
आगे आपको चाहिए जिसे हम लोग कहते हैं कैप्चर कार्ड। कैप्चर कार्ड का काम बस यही है कि HDMI इनपुट जो है कहीं होता नहीं है कंप्यूटर में। आप जो लैपटॉप देख रहे हैं जिसमें HDMI है वो आउटपुट है, वो ग्राफिक्स कार्ड से लिया गया बाहर ले जाने के लिए, वो इनपुट की तरह लेता नहीं है। तो इसलिए हम लोग को कैप्चर कार्ड या तो कंप्यूटर के अंदर लगाना पड़ता है या ये USB HDMI टू USB कैप्चर कार्ड खरीदना पड़ता है। ध्यान रखिएगा कि पुराने कैप्चर कार्ड जो USB 2.0 हैं वो HDMI के साथ बहुत अच्छे से काम नहीं करेगा। वेबकैम इसलिए कर सकता है कि उसको बनाया जाता है उसके लिए और उसके जो चिप्स हैं वो डेटा कंप्रेस इतना कर देते हैं कि USB 2 में अच्छे से जा सके। तो आप ये मत सोच लीजिए कि अरे लॉजिटेक का तो HD कैमरा भी USB 2 पे चल रहा है तो मैं अपना आराम से इस पे काम कर लूँगा, वैसा नहीं होगा। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा इसके बारे में कि USB 3.0 होना ज़रूरी है। दूसरा, आप चेक कीजिए कि जैसे मान लीजिए आप कैमरा को ही ऑडियो यूज़ कर रहे हैं, कैमरा में जो माइक है या आप कोई एक्सटर्नल माइक लगा दिए जो माइक इनपुट से आप जोड़ दिए, क्या ऑडियो ये ट्रांसफ़र करता है कि नहीं, तो इसके बारे में ध्यान रखना ज़रूरी है। दूसरा, आप ये सब करके ये बात ध्यान रखिए कि बहुत महंगा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका ऐसा किस्मत रहा कि एक पुराना कैमरा है या एक DSLR खाली बैठा हुआ है तो आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, सब बढ़िया सब ठीक है, लेकिन क्या आप जो 18-19 हज़ार या 20 हज़ार लगभग खर्चा लगाएंगे, मतलब 10 हज़ार के आसपास का ये सब आता है, फिर 10 हज़ार के आसपास का आपका वो बैटरी बैंक का हो जाएगा या केबल उबल, मतलब सब मिला के 20 हज़ार मान के चलिए, तो क्या 20 हज़ार में वो बेटर होगा या आप 2-3 वेबकैम खरीद लीजिए अच्छे अच्छे जो कि आप अलग अलग जगह पर लगा सके। जैसे मतलब आप एक स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो एक आपको देख रहा है, दूसरा ऊपर से दिखा रहा है कि आप कीबोर्ड में कुछ कर रहे हैं तो वो दिखाने के लिए है, या कुकिंग शो कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग जगह पे कैमरा लगाना ज़्यादा बेटर होगा। तो ये थोड़ा सोच के रखिएगा, ऐसे बस कूद मत जाइए। हाँ, आपके पास कैमरा पड़ा हो, हाँ आपको एक अच्छा वेबकैम चाहिए, हाँ मतलब आप रेडी हैं इतना खर्च करने के लिए, तभी इस पर कूदिए, बस ऐसे कूद मत जाइए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन। अपना DSLR या कोई भी वेबकैम, इवन GoPro भी आप बना सकते हैं लेकिन बैटरी उसमें बढ़ाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना होगा बैटरी लाइफ के बारे में, कैसे इस्तेमाल करें एज ए वेबकैम के बारे में। ये सब आप अलग अलग दाम का खरीद सकते हैं, कोई फ्रेम रेट पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए आप कैमरा 60 फ्रेम पर सेकंड पे कर रहे हैं ये शायद ना रिकॉर्ड कर पाए, ये 4K 60 तक कर सकता है, तो ये बहुत महंगे आते हैं इसी चक्कर में भी 4K 60 कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा ये सब के बारे में कि बहुत पैसा लग जाता है और आपके पास यही करना है तो भी कीजिए, मतलब कूद मत जाइए इसमें। तो ये था प्रेजेंटेशन जो मैंने बनाया अपने वेबकैम को का क्वालिटी बढ़ाने के लिए DSLR इस्तेमाल करके। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने मिला हो, अगर वैसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं है तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई बात नहीं है, और कमेंट लिखिए कि आप अगला एपिसोड कैमरा ट्यूसडे का मैं क्या देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, हम वीडियो डेली बनाते हैं। आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, देखने के लिए धन्यवाद।